हेलो गाइस, ये है मेरे दोस्त। ए व्लॉग हो रहा है भाई, से हाय टू माय व्लॉग। हेलो, माँ का भरोसा डेंटिस्ट का सफर नंबर वन फ्रेंड। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है 14th of June, दैट इज संडे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:15। अभी जस्ट मैं रेडी होके हटा हूं और उठ मैं पहले गया था, बट अभी जस्ट ऊपर आया हूं एंड फ्रेश होके अब आई विल गो डाउन टू द स्टूडियो। मैं अपनी कैप कल नीचे ही भूल गया था स्ट्रीम करने के बाद, यहीं पे बैठा। तू यहां पे क्या कर रहा है? Also guys, I've got something to unbox as well. आज एक लेंस मंगाया मैंने इस कैमरा के लिए, बिकॉज अभी मैं जो यूज करता था, दिस इज अ जूम लेंस, मेरी आंख वगैरह पूरी प्रॉपर। सो अभी तक जो मैं लेंस यूज करता था वो था 18:135 mm, और अब हम यूज करेंगे 10:18, मतलब 18 mm के हम पीछे जा रहे हैं। दैट इज अ वाइड एंगल लेंस जो कि हम लोग अब से यूज करने वाले। थोड़ी देर में अनबॉक्स करते हैं, नीचे स्टूडियो में करूंगा बिकॉज इधर प्रॉपर जगह नहीं है। As you can see, कुछ भी कहीं पे भी पड़ा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। 3 एक्सटेंशन बॉक्स यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 तो यहाँ लगे हुए हैं चार्जर और फिर एप्पल वॉच, फिर पीछे 2 एक्सटेंशन और लगे हुए हैं सो दैट की वी कैन एक्सटेंड टू दैट वन एंड दिस वन। बहुत सामान पड़ा है भाई यहाँ पे। सो यस, ये रहा अपना बॉक्स जो लेंस अपना आया था। मॉर्निंग में आ गया था बट मैंने इसको अनबॉक्स करा नहीं, सोचा गया स्टूडियो में जाके करूँगा, दैट विल बी बेटर। जिस दिन ESL होता है उस दिन पूरा स्टूडियो थोड़ा सा ठंडा भी रहता है बिकॉज दोपहर से ये स्टूडियो चल रहा होता है। एंड जब भी सिर्फ हमारा पबजी का टूर्नामेंट होता है, मतलब दैट इज़ PMPL, उस दिन कुछ नहीं हो पाता भाई। ये AC भी बहुत लेट चलता है, बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे कभी, बिकॉज ये सारे जो लाइट्स है AC के बिना तो भाई मैं यहाँ पे मर जाऊँगा सीरियसली। इतनी गर्मी से बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं भाई सारी की सारी लाइट। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसे गर्मी तो एक्चुअल गर्मी होती है, ये नहीं कि मैं भी खेला हूँ भाई क्रिकेट अपना 45 डिग्री में, तो मेरे को पता है गर्मी क्या होती है, बट सीरियसली बहुत गर्म हो जाता है। अभी FIFA के मैचेस चल रहा है, I don't know if it is the right time to unbox or not, but 10 मिनट ही हुए अभी मैच स्टार्ट हुए हुए, I think I can, लंबा मैच चलेगा थोड़ा सा, 6-7 मिनट का होता है I guess इसका मैच, ESL India Premiership FIFA का। वहाँ बैठे तो लाइट इतनी प्रॉपर नहीं आ रही थी, सो यस नाउ वी कैन अनबॉक्स दिस वन। सो यस, वी गॉट अनदर बॉक्स टू अनबॉक्स। आज फेक निकल गुरुजी इज बैक ऑन ट्रैक विद अनदर थिंग। आज है लेंस है कैमरा का, पहले हमने लेंस करा था, पहले हम कैमरा मंगाते फिर लेंस मंगाते। अब मेरे पास नाइफ नहीं है यार फेक निकल गुरुजी। अब पूरे रूम में सबसे ज़्यादा शार्प चीज़ एक यही मिली है मेरे को, जो पेपर वेट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, एक्चुअली इट वर्क्ड। इस पैम्फलेट में यहाँ पे सारे इनके कैमरा के मॉडल्स लिखे हुए हैं। ये वाला जो था G7X Mark II, ये खरीदा था पहले। सो दिस द लेंस दैट वी हैव बॉट, और ये भेजा है मेरे को अपनी 8-bit की टीम ने, दैट इज 8-bit थग एंड गोल्डी भाई। अगेन दिस इज द वाइड एंगल लेंस 10:18 mm। कॉम्पोनेंट्स दिए हुए, मेरे को नहीं लगता कि इसके और कुछ होगा लेंस के अलावा। दीज आर द यूजर मैनुअल जो कि हम लोग यूज नहीं करते। एंड इसमें कोई सील नहीं होगी बिकॉज देयर वाज नो सील ओवर हियर। आप लोग फिर बोलोगे कि ये देख यहाँ पे देख लिखा भी हुआ है, प्लीज चेक कंटेन इफ सील फाउंड ब्रोकन। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। बाय द वे दिस इज द 10:18 mm लेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है EFS, दिस इज द सिग्मा लेंस आई थिंक। इसको मैं चेंज करके देखता हूँ अपने वाइड एंगल लेंस से, बहुत ज़्यादा फर्क। बाय द वे जिन्होंने PMAS के जिन्होंने व्लॉग्स देखे मेरे, उनको पता है कि वाइड एंगल लेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देता है एक व्लॉग में। अभी जैसे मैंने 10:18 mm लेंस लगाया, मैं ये खरीदने वाला हूँ। अब मेरे को नहीं लगता था कि इतना अच्छा होगा, बट एक बार कॉमेंट सेक्शन में बताओ इसकी क्लैरिटी भी बढ़ गई क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली नया लेंस है। सो यू देयर कैन सी द डिफरेंस इन 3, 2, 1 एंड देयर यू कैन सी द डिफरेंस। वाइड एंगल नहीं है ना, अभी देखो मैजिक इस लेंस का। दिस इज द मैजिक दैट इट क्रिएट्स भाई, क्रेजी लेंस है यार। इसको व्लॉगिंग के लिए तो आई थिंक राजा बना देना चाहिए। ये लेंस है और एक 10:2 पता नहीं शायद 22 mm लेंस भी था, बट वो बहुत महंगा था। दिस कैन लिटरली शूट द होल बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टूडियो। मैं भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हूँ इसमें, आई डोंट नो, मेरी आंखें भाई और एक अलग ही नशा है भाई ये लेंस। पहले इतना रहता था मेरा जो हाथ से भी अगर मैं पकड़ता था कैमरा, बट नाउ इट कैन गो अप टू 10 mm। सो ये लेंस मेरे को भेजा था थग और गोल्डी मैन, थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर सेंडिंग दिस लवली गिफ्ट टू मी। एंड व्लॉग्स अब से डिफरेंट होने वाले बिकॉज पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा, दिखने का एरिया थोड़ा सा वाइड हो जाएगा एंड स्टेबलाइजेशन भी इसमें अच्छी खासी है यार। पहले इतना होता था यार, मतलब क्या ही दिखाऊंगा इसमें अब।
अनबॉक्स तो आप लोगों ने कर लिया, अब मेरे को ये सब कुछ सामान साफ करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब जो कचरा आता है ये डब्बे वगैरह सब साफ करो। अरे टेक्निकल गुरुजी को भी सेम होता है क्या? मतलब जो फेक्निकल गुरुजी को भी एक्सपीरियंस हुआ है, अनबॉक्स करने के बाद जो कचरा होता है वो पहले अनबॉक्स करो एंड उसके बाद पूरा काम वाली बाई की तरह सब कुछ साफ करना पड़ता है। ये बातें आपको टेक्निकल गुरुजी कभी नहीं बताएंगे, बट फेक्निकल गुरुजी हमेशा बताएंगे। सो यस, ये बिहाइंड द सीन जो भी है ना, ये आपको 10 मिलियन प्लस वाले चैनल में देखने को नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे देखेंगे। सभी तक जिन लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया, तो अभी जाकर लाइक बटन दबा दो एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और मैं ये साफ करता हूँ, अभी ये लाइव आने वाले होंगे, मैच खत्म हो गया, कास्टर्स मेरे को गालियाँ दे रहे होंगे भाई अभी, तो मैं पहले साइड में फेंक देता हूँ, बाद में साइड में साफ कर लूँगा। कौन सी कॉफ़ी? नहीं भैया, हम लेमन टी में अब हो गए, हम लेमन टी में लाटे लाटे नहीं नहीं अब हम लेमन टी में भरोसा रखते हैं, अब लाटे लाटे लेमन टी में पेट पी लो मजा। नहीं भैया अब लेमन टी में, लेमन टी अगर हो तो ला के दे दो, ये अब ये कॉफ़ी वॉफ़ी वाला नहीं, चीनी वीनी अब नहीं पीते हम लोग, पेट बढ़ रहा है भैया। बाकी व्लॉगिंग के लिए तो ये बेस्ट है, और व्लॉगिंग के साथ साथ आपको ये भी हमेशा रख के ट्रैवल करना पड़ता है, बिकॉज 18:135mm लेंस है, बहुत बड़ा लेंस है। अगर आपको जूम वगैरह करके कुछ शॉट्स लेने या कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने तो यू कैन यूज दिस वन एनी डे। हमारे पास जो वाइड एंगल है हमारा अब बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर कर रहा है। बाय द वे जस्ट हर्ड द न्यूज़ जो कि सुशांत सिंह राजपूत की, जो अभी हमने एक न्यूज़ सुनी है, उन्होंने सुसाइड करा है। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो, कम्युनिटी में बहुत नेगेटिविटी चलती है, यू वॉन्ट टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी, बट एक चीज़ का ख्याल रखना, हमेशा बुरा नहीं होता है किसी के साथ, बुरा आता है फेस, उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होता है। सो जस्ट वॉन्ट टू से यू ऑल कि कभी भी कुछ भी बुरा हो शेयर करो किसी के साथ, जो भी आप लोगों के दोस्त हैं, आप लोगों के घर में मॉम डैड हैं, आपके भाई बहन हैं, जितने भी लोगों से शेयर करोगे शायद वो चीज़ ठीक हो जाए, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल द सॉल्यूशन। वी डोंट नो कि उनके साथ क्या हुआ रहेगा, क्या चीज़ें होंगी, बट एट द एंड जो भी हुआ हम लोगों को एक सीख मिलती है यहाँ से कि वी शुड शेयर थिंग्स जो कि हम लोगों के अंदर होती है। मेरे साथ भी हुआ था दो हफ्ते पहले, जो चीज़ें मेरे को नेगेटिविटी मिली थी, आई सीरियसली वेंट थ्रू अ बैड फेस, आई थॉट टू क्विट ईच एंड एवरी थिंग, बिकॉज मैं कर क्यों रहा हूँ, करना पसंद है इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को किसी चीज़ का ऐसे आज की डेट में भगवान की तरह से कमी नहीं है, बट वाई आई एम डूइंग दिस थिंग बिकॉज मेरे को पसंद है, आप लोग देखते हो, मैं वीडियो से कुछ कमा लेने या यूट्यूब से मैं कुछ कमाता हूँ, बट एट द एंड व्हाट वी हैव ऑलवेज एक लाइफ को जीना है और अच्छे से जीना है, बहुत कम टाइम है। ये सब चीज़ें नेगेटिविटी छोड़ दो यार, कम्युनिटी में बहुत अभी भी ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं एंड वो इन्फ्लुएंसर्स ही हैं। अच्छा देखो, अच्छा सीखो, अच्छा काम करो। जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है? जिंदगी। एग्जैक्टली, बहुत नसीब वालों को मिलती है, बहुत नसीब वालों को ये चीज़ मिलती है, एंड हम लोग सब के सब जितने भी इस प्लैनेट अर्थ में, वी ऑल आर लकी टू हैव दिस लाइफ। हाँ वो भी बात है, बट सीरियसली टू बी ऑन द सीरियस नोट, छोड़ दो भाई नेगेटिविटी, बहुत कम टाइम है अपने गोल्स अचीव करने का, हम लोग भी यहाँ पे हैं, वी नो कि एक पैंडमिक चल रहा है, हम लोग अपने घर से दूर है, ये 3-6 महीने से अपने घर नहीं गए, बट ही नो कि हाउ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, आसपास के लोगों को पूछो, आपको अपना ख्याल अपने आप रखना है, आपको पता है कि कौन से लोग आपके लिए सही हैं, कौन से लोग आप लोगों को देखने चाहिए, किन लोगों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। दैट वॉज द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू कन्वे फ्रॉम दिस व्लॉग, दिस पार्ट ऑफ द व्लॉग, एंड होपफुली कुछ लोगों को ये सुन के अच्छा लगा होगा, और आप लोग जो भी प्रॉब्लम में हो, जिस भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अपने दोस्तों से शेयर करो वो चीज़, शायद ख़त्म हो जाए वो अभी के अभी एट दिस मोमेंट, एंड शेयर करके अगर ऐसा कुछ हो कि इट वेंट वेल, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को अच्छा लगेगा कि मैंने आज कुछ अच्छा काम करा है। थैंक यू। अभी चलते हैं नीचे, स्टूडियो हमारा रेडी हो रहा है, ग्राफिक्स वगैरह, एंड बाय द वे वाइब्रेटर दिखाता हूँ, वाइब्रेटर आ जाओ। बताए सुन, पिछले 2-3 हफ्ते पहले जब मैं यहाँ पे लॉकडाउन, तो मेरे को मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आता है। क्या उसका मैसेज आता है? बिकॉज वो गया है पोर्चुगल पढ़ाई करने के लिए, तो कहता पोर्चुगल गया, यूरोप में सबसे ज्यादा कोरोना का सीन, और कहता कि फैमिली से भी दूर, फैमिली इंडिया की है, तो कहता कि वहाँ पे अकेले रह के बहुत खराब फील होता है वगैरह, ये सब उसने उसके माइंड में उस टाइम ये सब थॉट्स एंड वो सब सबके माइंड में आता है। यार मैं होटल में था 2 दिन जब PLE जब चल रहा था, स्टार्टिंग के 2 दिन होटल में ऐसा था कि नहीं रह सकते थे भाई, उसके बाद ये रहा, फिर उसके बाद बहुत नेपाली लोग अभी भी वहाँ पे हैं, वो लोग भी जब निकलना चाहें वो लोग निकलेंगे, बिकॉज अभी पता नहीं ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ नहीं हुआ, बट जब भी होगा दे विल बी एट देयर होम, बट वो ये टाइम बुरा है, लाइफ बुरी नहीं है, सिंपल सी बात, ये चीज़ ध्यान रखना। चलते नीचे, अभी देख कितना वाइड है। हाँ
भाई पूरा वहां पूरा है तू देख नहीं रहा ये, अगर तू ये सोच की GoPro के जितना मेरे को, GoPro में थोड़ा सा ज्यादा ही होगा बट मेरे को GoPro जितना वाइड मिल रहा है, मेरे को एक डेडिकेटेड माइक लगाने को मिल रहा है, तो और क्या चाहिए ब्लॉग के लिए। आई कैन शूट ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर, लाइक अगर मैं यहां पे लगा देता हूं कैमरा तो पूरा डेस्क दिख रहा है, आसपास की दोनों LEDs दिख रहे हैं। गाइस ये अपने बैग में वाइब्रेटर लेके चलता है, वाइब्रेटर दिखाइयो इसको, इसके अलग ही शौक है वाइब्रेटर, ये देखो स्क्वायर वाइब्रेटर। हेलो गाइस, कुछ गलत ही चीजें कर रहा है, एक एक होगा जो तेरे सिर्फ कंधों को करता है, एक होगा जो तेरे बैग को करता है, और एक होगा जो दोनों को करता है। तो गाइस ये हमारा बैग वाइब्रेटर, आपको क्या लगा था, आपको कुछ लगा था ना नॉटी नॉटी सा, बट ये बहुत ही सही है भाई, मतलब ये बैग भी आपकी वाइब्रेट करता है, आपका शोल्डर वाइब्रेट करता है, एंटी स्ट्रेस बैग है। और ये कितने का था, ये 3000 में से ना, सिर्फ 3000 का। यार इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं नहीं देने वाला बिकॉज स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसका लिंक हम लोग दे देंगे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को। बट अगर कौन सा बैग है, कौन सी कंपनी है ये, UMEU करके इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी, इफ यू वांट टू स्पॉन्सर अस आत्मनिर्भर बनोगे। बढ़िया बैग है, आवाज अच्छी आ रही है यार, पिछवाड़ हो चुका। सो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब सब कुछ हेड डाउन, जीरो पीरियड में बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे ने लकड़ी के ऊपर रख के फिर भी जॉनी यार पार्टी वार्टी कम करा कर यार, पार्टी करते थे, पार्टी का माल जाता कहाँ पे, सब कुछ छोटा छोटा सा रहने जा रहा है जॉनी जॉनी। ये मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ा रहा भाई तेरा, ये तो बना मेरे तो पेट निकाल भाई कम से कम, वो नहीं होता है बॉडी फैट रिटेन। एक चैंडलर के 3 निपल्स थे, एक इसके 3 निपल्स है, रुकियो तुम्हारा वो जो पेट वाली सौदा बेल्ट नहीं होती वो काम करेगा, तेरा गला हिल रहा है भाई, तू हां या ना में जवाब दे। आओ ना कल सुबह जो मैंने इसको गिफ्ट करा है वो आ जाएगा, आज नहीं आना बिकॉज आज संडे है, और संडे के साथ साथ ये देखो ऑर्गेजम दे रहा है वाइब्रेटर का। अच्छा एक और चीज इसमें पता है गाइस, वाइड एंगल में क्या एक इशू होता है, सेंटर में होता है मैं नॉर्मल दिखूंगा ठीक है, साइड में होता है मैं मोटा दिखूंगा, देखो मेरी स्किन ऐसे जा रही है, फैली हुई टाइप का, वो टेढ़ा जो है, हां वही 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 फिश आई टाइप का बिल्कुल सही समझे, तुम होशियार बन रहे हो मेरे साथ, रह गए कैमरा सीख रहे हो, तुम सीख रहे हो हमारा कैमरा सीख रहे हो तुम, ISO थोड़े दिनों में पता है ISO, फिर उसके बाद अपर्चर में बात करेगा लौंडा, बोलेगा जूम करियो 1.8 और गाइस जो हमारे स्टूडियो में यूज होता है लेंस वो है 7:14 mm, ये सोचो कि ये 10 mm वाइड जाता है, ये 10 mm वाइड है, अब 7 mm सोचो कि कितना और वाइड जाता होगा, बहुत ज्यादा वाइड जाता है, जो कितना ज्यादा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वाइड जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टुडेज व्लॉग, आपको अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर। मजाक कर रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ क्या मैं अभी क्यों खत्म कर रहा है। That's what she said, bro. Time रहते सब ठीक हो जाता है, ठीक है? जैसे मैंने पहले बताया। Hello guys, ये है मेरे दोस्त। Hey, vlog हो रहा है भाई। Say hi to my vlog. Hello. माँ का भरोसा, dentist का सफाया। Number one friend. Vlog हो रहा है भाई। Say hi to my vlog. हमारे दोस्त ही निकम्मे हैं। होना ही नहीं। तभी उन लोगों के मिलने लाते हैं, हमारे लोगों के लाख में टक जाते हैं। मैच 1 इज अबाउट टू स्टार्ट, मैच नंबर 2 खत्म हुआ है जस्ट अभी, मैच नंबर 3 जस्ट गॉट ओवर, मैच नंबर 4 गॉट ओवर, सीरवी ओपी इन द चैट, फाइनल मैच ऑफ द डे, PMPL फाइनल्स ओवर। हेलो गाइस, ये है मेरा व्लॉग, नहीं